चलती गाड़ी में उसने मेरे फेस पे तेजाब डाल दिया आप लोग मानोगे नहीं कि मेरा जो स्किन है ना वो आइसक्रीम की तरह गल गल के गिर रहा था स्मेल आप अंदर अंदर घुस नहीं सकते उस कैबिन में इतना सड़ गई थी जेली की तरह मेरे पूरे स्किन पे फूल गया था मैंने ब्लैक चश्मा हटाया मैंने बोरका हटाया मैंने बोला सर चार महीने जो मेरे साथ हुआ है इस, इसका सजा सिर्फ चार महीने है ये दुख से मुझे आजाद कर सकते थे एक कदम जो किसी ने नहीं उठाई लेकिन कोई नहीं हाई so, गाइस मेरा नाम रेशमा है और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ बट मैं गाजियाबाद में रहती हूँ और मैं एक एसिड सर्वाइवर हूँ 2014 में मुझ पर एसिड अटैक हुआ था जिसके वजह से मेरा पूरा चेहरा और मेरी दोनों आंखें जल गई तो ये जो स्टोरी है स्टार्ट होती है जब मैं छोटी थी चौदह साल की मेरे पापा जो है वो हमें बचपन में उन्होंने हमें छोड़ दिया था उसके बाद मेरी मम्मी ने हम चार भाई बहनों को बहुत मुश्किल से पाल पोस के बड़ा किया तो मैं सिर्फ चौदह साल की थी और फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे जॉब करना चाहिए ताकि मैं अपनी मम्मी को सपोर्ट करूँ तो उस टाइम से ही मैंने जॉब स्टार्ट किया बहुत मुश्किल रहा मम्मी को मनाना कि मैं नौकरी करूं उनका मन था कि मैं पढ़ाई करूं लेकिन मेरा मन था कि मैं उनको सपोर्ट करूं तो मैंने अपना जॉब ज्वाइन किया और मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई थी तो जब मैं चौदह साल की थी मुझे जो नौकरी मिला वो मैंने सेल्स गर्ल का किया था जहाँ पे स्टार्टिंग सिर्फ चौदह सौ से मैंने किया था और वो उसके बाद चौदह सौ से चौदह हज़ार चार हजार से फिर पाँच हज़ार ऐसे करते करते काफ़ी साल निकल गए थे तो फाइनली एक इंस्टीट्यूट में मैं पहुंची जहां पे एक्टिंग मॉडलिंग का जो है कोर्स कराया जा रहा था तो वहां पे पांच हज़ार की सैलरी मुझे मिली और मैं वहां से रिसेप्शन में मैंने स्टार्ट किया वहां करने के बाद मेरी जिंदगी किस तरीके से बदली मैं क्या ही बताऊँ एक लड़का था इंडियन आर्मी का उसने मुझे प्रपोज़ किया था शादी के लिए लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगी क्योंकि वो जो लड़का है वो ऑलरेडी मैरिड था चार साल हो गए थे उसकी शादी को लेकिन अपनी वाइफ को छोड़ कर वो चाहता था कि मुझसे शादी करे लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कोई भी माँ बाप जो है एक अपनी बेटी को किसी शादीशुदा इंसान के साथ शादी करने के लिए परमिशन नहीं दे सकता और मैं भी एक लड़की होकर एक लड़की की जिंदगी में कैसे बर्बाद करूंगी तो मैंने उनको मना कर दिया मना करने के बाद वो इस तरीके से करने लगा मतलब रास्ते में मैं आ रही जा रही तो मुझे टॉर्चर करना मुझे रोक के उल्टा फुलटा बात करना और बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी मेरे घर के आसपास राउंड मारना ऐसा करता था वो बहुत ज़्यादा मुझे एक साल तक परेशान किया उसने लेकिन फिर वो दिन आया जब आंधी के तरह एक आया और मेरी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया ग्यारह दिसंबर दो वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकती अपनी जिंदगी में जब एक मिनट के अंदर मेरी पूरी जिंदगी तहस नहस हो गई वो दिन आज भी मुझे याद है जब मुझे वो दिन याद आता है ना तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ कि मैं अब क्या करूँ वो दिन ऐसा था मैं बहुत अच्छे से रेडियो होकर अपने घर से निकली थी बहुत अच्छे से साड़ी पहना झुमके पहने अब वो नहीं पहन सकती क्योंकि कान जल चुके हैं मेरे बिल्कुल एक कान भी मेरा है नहीं तो वो तो सब जो दिन है ना वो मुझे आज भी याद आते कि मैं किस तरीके से पहले रेडी होती थी किस तरीके से मैं झुमके पहनती थी जिससे हर लड़के पहनती है तो मैं उस दिन बहुत अच्छे से रेडी होकर घर से निकल रही थी तो मेरा क्या मन में आया मैं फिर घर पे वापस आई आके मैंने मिरर को खूब अच्छे से देखा कि आज तो मैं बहुत सुंदर लग रही लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लास्ट खुद को मैं देख रही हूँ घर से निकला गाड़ी में बैठी दो गली क्रॉस किया ही था तो मुझे दिखा कि दो लड़के बाइक में मेरी गाड़ी के आगे पीछे आगे पीछे हो रहे बहुत दूर जाने के बाद जब मेन रोड में हम पहुंचे तो अचानक दो लड़के मेरे मिरर के सामने आए गाड़ी के और उसने चलती गाड़ी में मुझ पर तेजाब डाल दिया गाड़ी चली रही थी चलती गाड़ी में उसने मेरे फेस पे तेजाब डाल दिया डाल वो चले गए एक सेकेंड में तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ जैसे उसने तेजाब डाला ऐसे रखा अपना हाथ जिसके वजह से मेरा ये पूरा हाथ भी जल गया जब मैंने अपना हाथ हटाया और आंखों को मैंने ऐसे पोछा और जब मैंने अपने पलके खोली तो मेरे आंख के सामने बिल्कुल अंधेरा मैं कुछ देख नहीं पा रही थी मैं घबरा गई कि मैं क्या करूं मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी वो चीखने लगी तेजाब तेजाब डाल दिया एसिड डाल दिया एसिड डाल दिया एक सेकंड तक तो मैं बिल्कुल स्टॉप हो गई थी मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा मैं क्या बोलू मैं बिल्कुल जल रही थी मेरे यहाँ के सारे बाल जल के मेरे हाथ में गिर गए मेरा पूरा चेहरा आइसक्रीम की तरह गिर रहा था इस तरीके से कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती जितना स्किन है मेरे चेहरे का सारा गल रहा था मैंने साड़ी पहना हुआ था सारा साड़ी जल के मेरे गले में सट गया था वो दर्द वो पेन वो मैं बता नहीं सकती जब वो दिन मैं याद करती हूँ ना तो आज मैं सोचती कि वो मैं थी जिसने इतना कुछ सह लिया आज तक आप लोग मानोगे नहीं कि मेरा जो स्कीन है ना वो आइसक्रीम की तरह गल गल के गिर रहा था जैसे हम एक मोमबत्ती जला देते ऊपर जल रहा है लेकिन मोम गल गल के गिर रहा है ना उस तरीके से हो रहा था गाड़ी से जैसे मुझे किसी ने निकाला मैं गिर गई रोड में मेरा स्लीपर कहा, कहा मेरे कपड़े कैसे मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा अगर उस दिन कोई भी एक इंसान आगे बढ़कर मुझे पानी या दूध फेंकता तो शायद आज मैं दोनों आंखों से अंधी नहीं होती मेरी शादी हो चुकी है मेरा एक छोटा बच्चा है चार साल का होने वाला है लेकिन आज तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा कि मेरा बच्चा कैसे दिखता है एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा मेरी शादी को छह साल हो गए हैं लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरा पति कैसा दिखता है जब मैं अपने बच्चे को रेडी करती हूँ तो मेरा बच्चा कैसा दिखता है मैं फोन में फोटो खींच के देखती हूँ कि मेरा बच्चा कैसा दिख रहा है चार साल का होने वाला लेकिन मुझे नहीं पता मैं सिर्फ उसको टच करके फील कर सकती हूँ कि मेरा बच्चा कैसा दिख रहा है ये तकलीफ ये तकलीफ जो आज मुझे हो रहा है ना वो पब्लिक ये दुख से मुझे आजाद कर सकते थे एक कदम जो किसी ने नहीं उठाई लेकिन कोई नहीं पब्लिक ने नहीं उठाया मेरी रिस्पांसिबिलिटी थी कि गिर के फिर से मुझे कैसे संभालना है वहां से मैं मेरा जर्नी जो ये भयानक हादसा के बाद स्टार्ट हुआ लेकिन मैंने हार नहीं माना मैं क्या मेरी मां ने भी कभी हार नहीं माना मेरे घर वालों को पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है बचपन में मेरे पापा ने हमें छोड़ दिया था उसके बाद मम्मी ने बहुत मुश्किल से दो बहनों का उन्होंने शादी किया लेबर मिस्त्री का काम किया लोगों के घर में बर्तन धोए ये सब करके दो बहनों को उन्होंने शादी किया इतना कर्ज हो गया कि वो चुका नहीं पा रही थी फिर मैंने सोचा कि अपनी माँ को मैं जरूर सपोर्ट करूंगी अगर उनका एक बड़ा बेटा होता तो उनको इतना तकलीफ नहीं होता तो मैं बेटी हूं तो क्या हुआ बर्तन धो भी सकती हूँ खाना बना भी सकती हूँ और वो कमा भी सकती हूँ तो मैंने डिसाइड किया था वो जर्नी काम का तो जब एक्सीडेंट हो गया तो मैं एक समय के लिए मैं टूट सा गई थी क्योंकि जब हॉस्पिटल एडमिट हुई मेरी मम्मी को पता नहीं था जहाँ मैं जॉब कर रही थी तो वहाँ पे उन लोगों ने फ़ोन किया कि रेशमा की तबीयत खराब है उसके पेट में दर्द है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो आप जल्दी आ जाइए तो जब मेरी मम्मी हॉस्पिटल में पहुंची मेरी मम्मी इस साइड खड़ी थी और मैं इस साइड पलट के सो रही थी लेकिन उसके बाद मेरी मम्मी का आवाज़ सुन के मैं डर गई कि मैं कैसे उनको फेस करूँ ऐसे फिर भी मेरी मम्मी ने कहा रेशमा मैं पलटी उनकी तरफ उसने कहा अल्लाह बोल के वो गिर गई उस टाइम वो बेहोश हो गई मुझे देखकर क्योंकि जब मुझ पे तेजाब गिरा था मेरा चेहरा जल के इतना बड़ा सा हो गया था बिल्कुल लगता था कोई फुटबॉल है इतना बड़ा सा हो गया था मेरा पूरा फेस जल के बिल्कुल ब्लैक काला यहाँ से एकदम मेरे पूरे बदन से ब्लड आ रहे थे क्योंकि पूरा स्किन गल के गिर चुका था सिर्फ हड्डिया थी मेरे फेस पे फिर मेरी मम्मी उठी उनसे मैंने फिर बात करने की कोशिश की वो बहुत रो रही थी मैंने उनको बोला तुम रो क्यों रही हो मम्मी मुझे कुछ नहीं हुआ है छोटा सा एक एक्सीडेंट है मैं एक दो महीने बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी पहले जैसा मैं अपनी मम्मी को ये कह तो रही थी लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एक दो महीना क्या मैं इस जन्म में कभी ठीक हो ही नहीं सकती लेकिन फिर भी मम्मी को तो थोड़ा सा संभालना ही था मैंने बोला मम्मी आप क्यों रो रहे हो छोटा सा एक्सीडेंट है मैं ठीक हो जाऊंगी उन्होंने मुझे पकड़ के बहुत रोई वो डॉक्टरों ने कहा कि ये आप कभी देख नहीं पाएगी मेरी मम्मी का ऐसा कभी होने नहीं दूंगी चाहे मेरा आंख क्यों ना देना पड़े लेकिन मैं दूंगी लेकिन उसको जरूर ठीक करूंगी वो हॉस्पिटल में तीन सिर्फ सोलह दिन थी उसके बाद फिर एक सरकारी हॉस्पिटल में मेरी मम्मी आ रही थी बदन से पानी निकल रहा था बेड में जहाँ मुझे लेटा कर ब्लड ही ब्लड और पानी ही पानी पूरा इतना स्मेल कि आप अंदर अंदर घुस नहीं सकते उस कैबिन में इतना सड़ गई थी जेली की तरह मेरे पूरी स्किन पे खुल गया था वो जो जख्म होता है ना मेरे फेस पे पूरा जख्म एकदम भरा हुआ था मेरे बाल सारे सटरे थे तो डॉक्टर और मेरी मम्मी ने मिलकर मुझे, मुझे बिल्कुल गंजा कर दिया ये बाल जो देख रही है सब नया आया हुआ है बिल्कुल एक्सीडेंट के बाद मुझे गंजा कर दिया मेरे सर पे एक भी बाल नहीं थे लेकिन उस टाइम भी मेरी मम्मी को हंसाने के लिए मैं कहती थी मेरा बाल काट दिया अब मुझे बहुत हवा लग रहा है <laughs> मैं अपनी मम्मी को ये कहती थी कि मुझे बहुत हवा लग रहा अभी मतलब बाल रखना बहुत टेंशन की बात है बिना बाल का बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ताकि मेरी को फील ना हो क्योंकि वो मेरे सामने नहीं रोती थी कभी वो बाहर जाके रोती थी अपनी साड़ी का पल्लू मुंह में दबा के रोती थी मेरे सामने कभी नहीं रोती थी वो जब मेरा ड्रेसिंग होता था ना वो कपड़ा जो होता था मेरे बदन पे सट जाता था बिल्कुल जब वो उखाड़ते थे ना तो वहां से ब्लड निकलता था पानी की तरह और मेरी मम्मी मुझे पकड़ के रखती थी और डॉक्टर मेरा ड्रेसिंग करता था फिर तब भी वो मेरे पीछे रोती थी लेकिन मेरे सामने आवाज नहीं आने देती थी वो ताकि मैं टूट जाऊंगी मैं भी उनके साथ रोने में चिल्लाती थी बहुत ज्यादा चिल्लाती थी लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत मैं बोलती हूँ ना कि कहते ना कि ऊपर वाला हर वक्त हमारे साथ नहीं रह सकता तो इसलिए उन्होंने माँ को बनाया तो मेरी माँ मेरे लिए भगवान से भगवान बाद में पहले मेरी माँ फिर भगवान तीन साल वहाँ पे रहने के बाद मेरा डिस्चार्ज हुआ मैं घर वापस आई जहां रेंट पे रह रही थी वहां आने के बाद मुझे पता चलता को कि चलो आप मेरे साथ थाने हम जाके पूछेंगे कि क्यों ऐसा हुआ थाने पहुंची पुलिस वाले को मैंने बोला कि सर आप लोगों ने उसे छोड़ कैसे दिया सिर्फ चार महीने जेल में के तो पुलिस वालों का जवाब मैडम चार महीने चार महीने कम नहीं होते उसने चार महीने जेल में रहा है उसने काट लिया अपना सजा मुझे बहुत गुस्सा आया उस टाइम डर से उसमें पहन के रहती थी ब्लैक चश्मा कि कोई मुझे देख के क्या बोलेगा मैंने ब्लैक चश्मा हटाया मैंने बोड़खा हटाया मैंने बोला सर चार महीने जो मेरे साथ हुआ है इस, इसका सजा सिर्फ चार महीने है तो ठीक है मेरा जब आंख ठीक होगा ना जब मैं ठीक हो जाऊंगी उसको मैं घसीट के लाऊंगी इसी थाने के सामने उसको मैं तेजाब डालूंगी आप मुझे छह महीने क्या एक साल रखना जेल में उसे चार महीने रखा ना सब कुछ प्रूफ होने के बाद कि उसी लड़के ने किया है आपने चार महीने में उसको छोड़ दिया क्योंकि वो एक इंडियन आर्मी में है क्योंकि उसका बाप रिटायर्ड कैप्टन है उसका बाप भाई उसका डॉक्टर है इसलिए क्योंकि वो पैसे वाला है आप लोग सिर्फ पैसे देखते हो पैसे देख के उसको छोड़ दिया आपने तो ठीक है जब मेरी आँख ठीक होगी उसको मैं यही थाने के सामने लाऊंगी यही तेजाब डालूंगी आप मुझे एक साल जेल में रखना मैंने उनको ये बोला तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो नहीं क्यों नहीं बोल सकती आप लोग कर सकते हो मैं बोल भी नहीं सकती मेरी पूरी जिंदगी का कीमत सिर्फ चार महीने का जेल जो मेरे साथ उसने किया ये सिर्फ चार महीने का था ये बोलने के बाद वहां पे बहुत बेहस हुई हम आ गए घर घर आने के बाद मैंने बोला कि अब मैं क्या करूं उस दिन मैंने सोचा कि अब मुझे नहीं जीना बस लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं अगर मैंने अपने आप को कुछ कर दिया तो वो बंदा जीत जाएगा मैं उसको कभी जीतने दूंगी नहीं अब मेरी ये जीत है पहले मैंने सोचा कि पहले अब मेरी आंख को ठीक कराना पड़ेगा कहते हैं ना कि हाथों की पांच उंगली एक बराबर नहीं होती तो दुनिया का सारा पुलिस वाला सारा आर्मी सारा डॉक्टर एक जैसा नहीं होता है ये सच्चाई है हम वहां साउथ पहुंचे वहां पे हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ डॉक्टर ने जब मुझे देखा तो पहली बार मैंने ऐसा कोई डॉक्टर देखा अपने लाइफ में वो आई मेरे पास आने के बाद मैं टेबल में बैठी थी उसने मेरे हाथ अपने हाथ में लिया लेडीज थी उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तुम्हें तुम्हें हम बिल्कुल पहले जैसा नहीं कर सकते अगर मैं कहूंगी ना कि तुम बिल्कुल पहले जैसा हो जाओगी मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी तो ये गलत बात है मैं झूठ नहीं बोलूंगी तो तुम पहले जैसा बिल्कुल हम नहीं कर सकते लेकिन हाँ आज मेरा वादा है कि तुम अपना खुद का काम खुद कर पाओगी तुम जहां तुम्हें जाना है वॉशरूम जाना है घर का काम करना है, वो तुम खुद कर पाओगे तुम खुद का काम कर पाओगे तुम बाहर जा सकोगे आ सकोगे अपने बलबूते पे हम तुम्हें उस लाइक जरूर बनाएंगे तो उन्होंने जो अंधेरे जगह में एक रोशनी का चिराग दिखाना वो मेरी जिंदगी उसने बदल दिया जब मेरी रोशनी आई तो मैं घर वापस नहीं गई मैं सीधा चली गई वहां से मुंबई मुंबई जाने के बाद मैंने काम ढूंढना शुरू किया क्योंकि मैं अपनी मम्मी को तब भी जो है हेल्प करना चाहती थी लेकिन उसी बीच ऐसा हुआ था जब मैंने पहली बार खुद को फेस किया वो सबसे बड़ा चैलेंज था मेरी जिंदगी में जब मैंने खुद को देखा देख मतलब ऐसे तो मिरर में नहीं दिख पाई लेकिन फोटो देख लिया मैंने खुद का तो बहुत बहुत टूट गई थी मैं उस दिन की ये क्या हो गया मैं हूँ ये रेशमा है मैं इतना बुरा था वो सिचुएशन लेकिन उस दिन को मैंने पार कर दिया ना तो लाइफ में मैं आगे बढ़ गई लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई मेरी मम्मी ने कहा कि घर आ जाओ एक बार सबसे मिल के जाओ मैंने कहा कि मैं वहां तभी जाऊँगी जब मैं नौकरी करने लगूंगी और मेरा से, पहला सैलरी मेरे हाथ में आएगा क्योंकि मैं तब भी खुद को काम करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती थी लेकिन उस टाइम जॉब करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि पहले मैं नॉर्मल थी तो मैं हर काम कर पा रही थी लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हो गया अब मैं ब्लाइंड में काउंट होती हूँ तो मुझे ब्लाइंडों की तरह काम करना होगा लेकिन पहले मुझे वो सब सीखना होगा तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं खुद को रेडी करती हूँ उस तरीके से प्रज्ञा जी से मेरी कॉन्टैक्ट होने के बाद वहाँ पे मैं पहुंची उन्होंने मुझे बैंगलोर बुलाया मैं बैंगलोर पहुंची बैंगलोर पहुंचने के बाद उन्होंने मुझे मोबिलिटी ट्रेनिंग उसके बाद कंप्यूटर कोर्स और इंग्लिश ट्रेनिंग ये दिलवाया एक साल तक मेरा कोर्स चला उसके बाद खुद से चलना फिरना कंप्यूटर चलाना इंग्लिश बोलना ज्यादा तो नहीं इंग्लिश बोल लेते लेकिन काम सीख गई थी एक साल में तो बिना देख के कंप्यूटर चला लेती हूं, बिना देख के अब मैं रोड क्रॉस कर लेती हूँ तो मोबिलिटी ट्रेनिंग वगैरह लिया फिर वहां पे मुझे जॉब लगी कॉल सेंटर में बैंगलोर में तो कॉल सेंटर में नौकरी मैंने डेढ़ साल तक किया उसी बीच मेरे लाइफ में बहुत सारी खुशियां आई फेसबुक में मुझे एक रिक्वेस्ट आया मेरे हस्बैंड का उनसे मैं पहली बार जो है फेसबुक के थ्रू मिली तो वहां पे जो है उन्होंने मुझे मैसेज किया पंजाब से वो आ गए बैंगलोर मुझसे मिलने के लिए और जब मैं पहली बार गई स्टेशन में उसको लेने के लिए जैसे देखा कि वो आ रहे सामने मैं डर गई इतना धक धक हो रहा था मुझे कि मैं क्या ही करूँ लेकिन फिर मैं उसको देख के पलट गई इधर फिर वो आया मेरे सामने आके जब उसको पता चला कि मुझे नहीं उसको पता था मुझे नहीं दिखता लेकिन फिर भी सुंदर तो हो तो। क्यों बोल रही थी कि तुम मेरे नहीं हो, इतनी अच्छी हो और मैं चाहता था कि तुम ही मेरे लाइफ में आओ तो अब हम कभी अलग नहीं होंगे बोल के जल्द ही शादी करेंगे तो वो दिन एक ऐसा था मेरे लाइफ में कि फिर से सब कुछ मुझे मिल गया वहां हमने एक साथ कॉल सेंटर में नौकरी किया कॉल सेंटर में नौकरी करने के बाद फिर मैंने इनको अपनी मैम से मिलवाया उसके बाद फिर मैं घर लेके आई घर लेके आने के बाद मेरी फैमिली ने इनसे इनसे मिले फिर मैं इनकी फैमिली से मिली दोनों फैमिली रेडी हो गई जबकि हम दोनों का कास्ट भी अलग है वो पंजाबी है हिंदू और मैं मुस्लिम हूँ लेकिन फिर भी उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनकी फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उनका कहना है कि हमारे बच्चे एक साथ रहेंगे जात बिरादरी कुछ नहीं होता लोगों की सोच अच्छी होनी चाहिए हमारा जात एक ही है कि हम इंडियन है हम भारतीय नागरिक है, है। हिंदू मुस्लिम का जो एक खेल है वो हमने खुद ने बनाया ना कि ये ऊपर वाले ने हमें कोई स्टेप मार के भेजा कि हम हिंदू मुस्लिम ये लोगों का बनाया हुआ है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं तुम लोग खुश हो एक दूसरे के साथ तो हमें और कुछ नहीं चाहिए फिर हमारी शादी हुई पहले हमारा निकाह हुआ उसके बाद दिल्ली में हमारा कोर्ट मैरिज हुआ कोर्ट मैरिज होने के बाद फिर हम एक साथ रहने लगे फिर मैं बैंगलोर में नौकरी कर रही थी वहाँ मेरा जॉब छोड़ना पड़ा फिर हमारी शादी हो गई तो फिर लेवेंट्री में मुझे नौकरी मिला तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया तीन साल तक वहाँ नौकरी करने के बाद फिर जब मैं इवेंट वगैरह भी कर रही थी अभी तक मुझे नौ अवार्ड मिल चुके हैं लाइफ ऑफ विनर का क्राउन दो पहन चुकी हूँ मैं उसने तेजाब डाल के सिर्फ मेरा चेहरा बदला है मेरी काबिलियत मेरे हौसले को नहीं मेरा जो सपना था वो मैं आज भी पूरा कर रही हूँ मैं आगे भी पूरा करूंगी ये मैसेज मैं सबको देना चाहती हूँ किसी लड़की के साथ रेप करके उसका बलात्कार उसके सर पे फेस पे तेजाब डाल के आप उसके सपने को नहीं मार सकते आप सिर्फ उसका चेहरा जला सकते हो लेकिन उसकी काबिलियत उसके, उसके हौसले उसके चेहरे को कभी नहीं जला सकते ना कि मेरा जलाया गया है तो मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि लाइफ में कभी भी हार नहीं मानना क्योंकि मैंने आज भी नहीं माना आज भी मैं नौकरी कर रही हूँ आज भी अपनी फैमिली को देख रही हूँ मेरा ससुराल में नहीं है मैं अपनी मम्मी को भी देख रही हूँ मैं यहाँ अपने ससुराल में भी देख रही हूँ अभी भी खुद अकेले

कुछ भी हो जाए हमें हार नहीं मानना प्रॉब्लम कितनी भी आ जाए मुसीबतों के सामने अगर हमने अपने घुटने टेक दिए तो फिर हमने खुद ने ही हार मान दिया तो लोग हमें तब तक नहीं हरा सकते ऐसे लोग हमें तब तक नहीं हरा सकते जब तक हम खुद हार नहीं मान जाते और हम हार मान जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है तो मेरा यही मैसेज आप सभी के साथ है कि लाइफ में कितनी भी परेशानियां आपको गिव अप नहीं करना है लाइफ में आगे बढ़ते रहो जो सपना हम देख सकते हैं अगर हम वो सपना देख सकते हैं तो उसको हम पूरा भी कर सकते हैं तो आप अगर देख रहे हो तो उसे पूरा करने के लिए आपको खुद कदम आगे बढ़ाना है और हमारे समाज में मुझे यही एक मैसेज देना है कि रास्ते चलते अगर कभी भी आप देख रहे हो किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप एक कदम उठाइए ये मत सोचिए कि कोई है वो बचा लेगा वो उठा लेगा नहीं आपसे ही पूरा समाज बनता है आप एक कदम उठाओ आपके साथ हजार कदम और बढ़ेंगे लेकिन एक कदम की जरूरत होती है कभी कोशिश करके देखिए बहुत खुशी मिलेगी और किसी की जिंदगी बर्बाद होने से आप बचा भी सकते हैं थैंक यू इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें